नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कोरोना संक्रमण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को एक सलाह दे डाली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी चुनावी राज्यों में कम से कम 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दिलवाने पर चुनाव आयोग को जोर देना चाहिए। कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराए जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं करता है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, चुनाव आयोग को मतदान वाले राज्यों में कम से कम 80% लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक दिलाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में चुनाव कराने का एकमात्र यही तरीका है, बाकी सब कुछ बेकार है। कोरोना को रोकने को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, उनका उस तरह से कोई भी पालन नहीं करता है। गौरतलब है कि 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि इस बैठक में कोरोना के केस बढ़ने के दौरान चुनाव कराने को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस में जरूरी बदलाव और पोलिंग बूथों को लेकर भी नियमों पर बातचीत की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।